अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन काशिफ रूटीन। खुश आमदीद जी आए उन्होंने सत बिस्मिल्लाह। ढेर सारी दुआ और आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ आज की विला का करते हैं जी आगाज। तो 12 बज चुके हैं, अभी निहा कर फारिग हुआ हूँ। तो आप अपना सोच रहे होंगे कि इतनी आपने आज देर क्यों लगा दी, दाढ़ी वगैरह सेट की, थोड़ी थ्रेडिंग की, बताइए कमेंट के अंदर कैसा लग रहा हूँ। यहीं पर ख़ुद बनाई है, नई के पास नहीं गया। तो पूछेंगे कि क्यों नहीं गया, क्योंकि उसकी भी एक ठोस वजह है। तकरीबन मैं 10वीं जमात में पढ़ता था, उस वक्त एक दफ़ा नई के पास गया, शायद वो बंदा सीख रहा था या कुछ उससे गलती हो गई, उसने पूरी दाढ़ी उतार दी। तो फिर पप्पू लग रहा था, नौजवान लग रहा था, मतलब मुझे वो चीज़ इतना पसंद नहीं आई। तो ख़ुद ही बना लेता हूँ, अच्छी बने या ख़राब बने, कभी ख़राब भी हो जाती है, लेकिन साथ साथ तजर्बा भी बढ़ रहा है। तो आज की रूटीन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले गांव का थोड़ा माहौल देख लें। हवा चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी पसीना आ रहा है। अभी मैं छांव के अंदर मौजूद हूँ, दरख्त हैं तो सामने मुर्गियाँ आई हुई हैं खेतों के अंदर। यहाँ पर ज़्यादातर अपना छांव है ना, बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो खेलते हैं। ये किसी ने अपना कारीगरी किया है, बटन लगा दिया है जी, फ्री बिजली शीशम के दरख्त पर। तो जी घर की जानब चलते हैं, भूख लग रही है, देखते हैं दोपहर के खाने में क्या है। आप अभी गस कर लें, जिस बंदे ने सही गस किया कि सब्ज़ी में क्या होगा रोटी के साथ और रोटी किस चीज़ पर पकाई गई होगी, उसके कमेंट को मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दूंगा। तो हाँ जी दोस्तों, किसने सही गेस किया अभी पता चल जाएगा आज की वीडियो के अंदर। तो जी अपना सबसे पहले अतली की हुई लस्सी दोपहर के खाने के अंदर, ये ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है जी सब्ज़ी नहीं है, थोड़ा मैं भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, अपना दाल है चने वाली ताज़ी गरम गरम, और जी साथ तंदूर की बनी हुई रोटी। भूख काफ़ी लग चुकी है तो शुरू करते हैं दोपहर का खाना। गर्मी भी है, थोड़ी थोड़ी पसीना भी आ रहा है, दाल माशाल्लाह अच्छी बनी हुई है। अगर आप देहात में रहते हैं तो दोपहर के खाने में मोस्टली क्या होता है, तंदूर की रोटी होती है या बाहर से मंगवाते हैं, तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है। लस्सी ज़रूरी है, अगर लस्सी ना हो दोपहर के खाने में तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता, देहात में ऐसा ही होगा, तो आपने बताना ज़रूर है, लस्सी के बगैर मज़ा नहीं आता।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने बचात फार्म पर, क्योंकि मुझे घर से मज़दूर लाने थे यहां पर। यहां पर असल में प्याज की फसल की काश्त हो रही है, तो वो दिखाएंगे आपको कहां से पानी लग रहा है और कितना फसल काश्त हो चुकी है। उससे पहले थोड़ा सा बचात फार्म का आप माहौल देख लें, क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है और नज़ारा बेहतरीन है। तो दोस्तों इस पाइप से पानी जा रहा है रकबे की जानब। चलते हैं उधर और आपको दिखाते हैं कहाँ हो रही है प्याज की काश्त। ये जा रहा है जी पाइप रकबे के अंदर। ये सारा रकबा हमने काश्त करना है। चाचा भी खड़ा है, पानी लगा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा इधर भी रकबा काश्त हो गया है प्याज का अपना। ये सामने से इधर से पानी आ रहा है, ऊपर पाइप है वहाँ से। यहाँ पर भी थोड़ा काश्त हो चुका है, ये पानी आगे की जानब जा रहा है। तो अभी मैं इसके अंदर हूँ, अंदर मौजूद हूँ, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ बाहर थोड़ा निकल कर कि किस तरह से लगाया गया है प्याज और इसकी पनीरी। ये देखें करीब से इस तरह से अपना इसको लगाया गया है। ये देखें इसको पानी वगैरह पिलाना पड़ेगा, खिदमत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये बड़े होंगे। तो ये है जी पनीरी प्याज की अपना जो हमने ख़रीदी, और अपना ये बहुत सारी बची हुई है। तकरीबन एकड़ से ज़्यादा होगा रकबा जो काश्त होगा। तो आज ये अंकल की अपना मेरे फौजी चाचे की बाइक है, इस पर मैं आया था वापसी पर, दूसरी बाइक लेनी है घर जाने के लिए। ये है मीठा पानी, मैं आते वक्त भर कर आया था क्योंकि यहाँ पर पानी थोड़ा कड़वा है। इस बर्तन के अंदर पानी को डालेंगे और यहाँ से बर्फ ठंडा करेंगे, बाद में पियेंगे। तो जी इधर से थोड़ी बर्फ़ उठाते हैं, इधर रखेंगे, ये ठंडा होगा, बाद में पियेंगे इसको। हाँ दोस्तों पचात फार्म से लौट आया हूँ, घर आया, फ्रेश हुआ, हाथ मुँह धोए। तो अभी 6 बजे हैं, वॉलीबॉल की तरफ जा रहा हूँ, वॉलीबॉल खेलेंगे। तो पचात फार्म में जो काम था वो आधे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो काशिफ रूटीन को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट व्लॉग्स मिलते रहें। तो तब तक दुआओं में रखिएगा याद और अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।